नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बैठक बुलाई है और इस बैठक में एनसीए अजीत डोभाल और सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के ही यांगदस इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई और ये चीनी सैनिक जो थे वो भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने ही चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस झड़प में तीनों सेनाओं के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 सैनिकों के साथ यहां इलाके में ही भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे और चीनी सैनिकों के पास कंटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के पत्थरबाजी भी की भिड़ंत में दोनों ओर के सैनिक जख्मी हुए हैं। भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है और चीन सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले की 15 दिन से तैयारी कर रहे थे और सोमवार को वित्तीय रणनीति के तहत ही 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे, लेकिन चीनी सैनिकों को देख पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं और भारतीय सेना ने इसे लेकर कहा कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC से सटे कुछ इलाके हैं जो तमाम सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच अलग अलग परसेप्शन रहा है और दोनों देश अपनी अपनी तरफ से क्लेम लाइन पर पेट्रोलिंग करते हैं। ये 2006 के बाद से ट्रेंड रहा है। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिक LAC सेक्टर में आगे बढ़े, जिसका सामना हमारी सेना ने बहुत जोरदार और मजबूती के साथ किया। बाद में दोनों देशों के सैनिक वहां से पीछे हटे। इसके फॉलो अप में ही भारतीय और चीनी कमांड के बीच फ्लैग मीटिंग हुई और चर्चा की गई, शांति को लेकर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री के बारे में विवाद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी दमोह जिले के पटेरिया के निवास से की गई है। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और पन्ना पुलिस पटेरिया को लेकर रवाना हो गई है। वहीं कांग्रेस पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह से अलग कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे बयान स्वीकार्य जो हैं वो नहीं किए जाएंगे और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को उनके निवास हटा से पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पन्ना पुलिस ने सुबह 4 बजे उनका घर घेर लिया था और 5:30 बजते ही राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस पटेरिया को पवई थाना लेकर पहुंची, वहां उन्हें आज सुबह न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ सोमवार को कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा कि शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पन्ना जिले के पवई पुलिस थाने में पटेरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस पूरे मामले से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और नई दिल्ली में कांग्रेस ने अपने नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ये बयान पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा लगाई गई एक IED का पता लगाया है। जानकारी के अनुसार उत्तर कश्मीरी के ही तुलीबल बारामूला में आतंकवादियों द्वारा एक IED लगाई गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही बम विरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच गई है और इसे निष्क्रिय करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तरी
कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलीबल इलाके में संदिग्ध आईईडी मिला है और फिलहाल मौके पर सोपोर पुलिस और इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। गोंडा में पुलिस ने फर्जी जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मालिक राम सिंह का फर्जी जमीन के 33 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने अंबेडकर चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोंडा से हमारे सहयोगी अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। हम बता रहे हैं, गोंडा में जो फर्जी जमीनों का जो मास्टरमाइंड है, जो उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी सालिक राम सिंह, जिसके खिलाफ लगभग 23 से ज्यादा मुकदमे एक थाने में दर्ज है, जो फर्जी तरीके के बैनामा करके लोगों को जानसाजी करके करोड़ों रुपए का पत्थर बांट किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ कर रही थी। और पुलिस और चोरी टीम ने संयुक्त रूप से इसको लखनऊ रोड से गिरफ्तार किया है और पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इस आरोपी के गिरफ्तार होने से गोंडा में जो जमीनों का फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था, उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नकेल लगेगी और आरोपी जो इनके सहयोगी हैं, पुलिस उनको भी पकड़ने में जुटी हुई है। जी अनुराग, जिस तरह से जानकारी सामने है कि फर्जी जमीन घोटाले का मामला है, कितनी फर्जी जमीन हथियाने का मामला है, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए और इन पे कितने मुकदमे दर्ज है ये भी बताइए। बता रहे की गोंडा जिले में ये सालिक राम सिंह जो है, ये करीब काफी दिनों से फर्जी बैनामे कर करके लोगों को पैसे कबंधर बांट कर रहा था और लगभग इसके खिलाफ एक थाने में करीब 35 मुकदमे दर्ज है, एक थाने में 12 मुकदमे दर्ज है, तो कहीं ना कहीं 40 से 50 ऐसे जमीन का मामला है जो फर्जी तरीके से उसने बैनामा किया है और लोगों को पैसा जालसाजी करके हड़प लिया है। पीड़ित काफी दिनों से पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और पुलिस अब इस मामले में इसको गिरफ्तार करा रहे थे, विधिक कार्य में जुट गई है और ये भी तलाशने में जुटी है कि इसने जो पैसे अर्जित किए हैं वो पैसे कहाँ है या कोई ऐसा इसके पास कोई रैकेट तो नहीं है जो इसके साथ का काम करता है, तो उससे पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच करें, जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आरोपी के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और फर्जी जमीन घोटाले का ये मास्टर माइंड बताया जा रहा है और इसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इटावा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नगर पालिका चौराहा पर जीएसटी का पुतला फूंकने हुए जमकर प्रदर्शन किया है और साथ ही अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने बाइक रैली निकालकर विरोध किया और जीएसटी विभाग में ज्ञापन दिया है। वहीं मामले को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने कहा कि यूपी में उपचुनाव की हार से बौखलाहट में व्यापारी कार्रवाई हो रही है और गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में जीएसटी विभाग की ओर से लगातार बड़ी पैमाने पर छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखने को यह भी मिला है कि खाने पीने के ठेले लगाने वाले के यहाँ भी विभाग ने मनमाने ढंग पूछताछ की है, जबकि जीएसटी का 40 लाख सालाना टर्नओवर और जीएसटी रजिस्टर्ड फार्मों के यहाँ की पूछताछ छापेमारी कर सकता है। बावजूद इसके विभाग की कई टीमें मनमाने ढंग से व्यापार के यहाँ कार्रवाई की थी और इस अभियान से व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी है, जिसके चलते आज अलग अलग व्यापार मंडल ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि जो जनरल सर्वे हो रहा है व्यापारियों का, उसमें तमाम ईमानदार व्यापारी भी हैं जिनके कि यहाँ छापे पड़ रहे हैं, ऐसे छापे कार्रवाई को रोका जाए और सरकार ने जो है इस कार्रवाई को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है और हम लोग जो है पूरी तरह से उसका अनुपालन करेंगे। और जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है अभी कि छापे हमेशा पीछे भी जो पड़े हमारे छापे
वो कभी भी ईमानदार व्यापारी को टारगेट करके नहीं पड़े हैं ना आगे पढ़ेंगे। हम डाटा बेस एनालिसिस करके जो व्यापारी हमारे करा पंचर में संलिप्त पाए जाएंगे सिर्फ उन्हीं के यहाँ छापे पड़ेंगे, उन्हीं की जांच होगी। ईमानदार व्यापारी को कतई भी किसी भी लेवल पर डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर के इस सरकार में वो अपना बिजनेस करे। प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे व्यापारियों पर लगातार छापे की मारे जा रहे हैं, जबकि ये नियम है कि 40 लाख से कम के जो टर्नओवर है जिनके व्यापारियों का, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, फिर भी जीएसटी की टीमें लगातार बाजारों में जाकर हम व्यापारियों का शोषण कर रही हैं, उनसे उगाही की जा रही है। इसी विरोध में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अपने पदाधिकारियों के साथ इस नगर पालिका चौराहे पर व्यापारी जीएसटी का पुतला फूंका है। हम आम व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान था उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बनाने में। जीएसटी जब लागू हुई तब ये कहा गया था कि 40 लाख तक के जो व्यापारी हैं उनको छूट मिलेगी, पर आज जानबूझकर टारगेट कर हम व्यापारियों पर ये छापे डाले जा रहे हैं। जो चोर हैं पीलीभीत में पिछले एक सप्ताह से जीएसटी विभाग की छापेमारी को लेकर आज व्यापारी संगठन ने एकजुट होकर जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी के नेतृत्व में शहर के सिटी पैलेस में ही एक बड़ी जनसभा की है और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और व्यापारी नेता सड़कों पर आ गए। जुलूस की शक्ल में ही ये लोगों जीएसटी मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बने जीएसटी विभाग के ऑफिस को घेर लिया और इन लोगों का कहना था कि अगर जीएसटी विभाग को व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो व्यापारी संगठन से बात करें, ना कि गुंडों की तरह व्यापारियों की दुकान में घुस जाए। व्यापारी नेता ने जीएसटी की परिभाषा बताते हुए कहा कि जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स कहा जा सकता है, जो जबरदस्ती जस्टिस भाग वसूल कर रहा है। व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर यही रहा तो व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश को बंद कराने का काम करेंगे। ने आपको बताई जीएसटी, जी फॉर गब्बर, एस फॉर सिंह, टी फॉर टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। जो सरकार गब्बर सिंह टैक्स कैसे बन गया, कैसे बन गया, देखिए ना, व्यापारी जो पहले आराम से काम कर रहा था, आराम से टैक्स देता था, आराम से चैन से काम कर रहा था, अब क्या है, छापा मारो, इनकम टैक्स, सेल, आपका जीएसटी का पूरा इकट्ठा ऐसा होकर जाते हैं जैसे वो डकैती करके बैठा हुआ दुकानदार, वहां पर गलत तरीका अपनाते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो वहाँ व्यापार संगठन के आदमियों को साथ में लीजिए, वहाँ के अध्यक्ष को साथ में लीजिए, वहाँ के नगर महामंत्री को साथ में लीजिए, उसके बाद जाइए तो आपकी जम्मर जाए, जिसके घर पर घुस गए आप, दुकान पे आपने छापा मार लिया, क्या रणनीति तय होगी? अब रणनीति तो सब लोग हम व्यापार संगठन के लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, क्या अगर सरकार नहीं मानी, जीएसटी वाले नहीं माने, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लड़ाई छिड़ेगी और पूरा उत्तर प्रदेश एक दिन बंद होकर दिखाया गया, व्यापारी एकता अपनी जिंदा रखे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यापारी तो हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ पदाधिकारी हैं। जिस दिन हम व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे तो व्यापारी यहाँ 200 या 400 नहीं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में व्यापारी इकट्ठा होगा। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हम शासन की कोई भी योजना है उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन विरोध हमारा इस बात का है कि पहले हमें पता तो लगना चाहिए कि शासन चाहता क्या है। यहाँ हालात वो पैदा हुए हुए हैं कि हमारे व्यापारी को किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, आते हैं उसकी दुकानों में घुस जाते हैं, घुसने के बाद उसका हरेसमेंट करते हैं, काम नहीं करने देना चाहते हैं। हालात इस बात के हैं, लॉकडाउन के बाद से व्यापारी तो वैसे ही टूटा पड़ा है, हर तरह की मदद करी, जिस तरह की भी सरकार ने या हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी चाहा, व्यापारी हमेशा साथ खड़ा रहा। मुरादाबाद कांड थाना क्षेत्र के ही ग्राम सलेमपुर गढ़ी का एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक परिवार, जिस एक महिला चंद्रोवा, उसकी पुत्री, पुत्र और पति कानून का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ कर आरोप लगाकर ही वसूली करते थे। पुलिस ने वसूली करने वाली महिला और पुत्री और पुत्र और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आए दिन किसी न किसी पर बदतमीजी, छेड़छाड़ करने का झूठा एप्लीकेशन थाने में देती थी और इससे लोग डर कर फैसला करने के लिए दबाव बनाकर उनसे पैसा वसूलती थी। लोग इससे और इसके पूरे परिवार से परेशान हो गए थे। हद तो तब हो गई जब गांव के लोग उसको देखकर अपना रास्ता तब बदलने पर मजबूर हो गए। आरोपी महिला चंद्रो अब तक 16 अलग अलग लोगों के खिलाफ
अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दे चुकी है। कार्रवाई न होने पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने के नाम पर हंगामा करती थी, हर तरह से कभी पुलिस को कभी लोगों को डराया करती थी और जिससे लोग उससे डर कर फैसला कर ले और जिससे उसको रकम जो है वो हाथ लग जाए, और महिला मुख्यमंत्री दरबार तक जाकर शिकायत कर चुकी थी। फतेहपुर गढ़ी घाट में एक कस्बा जगह है घाट थाने में, तो यहाँ की एक महिला है चंद्र देवी, जो पिछले 10-12 साल से लोगों को झूठे प्रार्थना पत्र देकर परेशान कर रही थी थाने में। तो उनके खिलाफ करीब हर व्यक्ति के खिलाफ करीब 10 से 15 प्रार्थना पत्र दे देती थी, और जब ये प्रार्थना पत्र में कोई दबाव में आ जाता था तो उससे समझौता कर लेती थी, वे व्यक्ति समझौता करके इसको पैसा दे देते थे अपने प्रार्थना पत्र लेने के लिए, क्योंकि ये झूठे आरोप लगा देती थी उन पर, छेड़खानी का उस तरह के आरोप। तो अभी ये मामला, इसकी कई लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत दी चंद्रदेवी के खिलाफ, तो उसकी शिकायतों की जाँच की गई। जाँच के उपरांत ये पता चला है कि ये महिला झूठे प्रार्थना पत्र देकर लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। तो उसके आधार पर एक कुलदीप नाम के व्यक्ति की तहरीर प्राप्त हुई, उसकी जांच कराई गई, तो उसके आधार पर मुकदमा 388, 389 और 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता अनिल कुमार सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। लेकिन आपको बता दें, मुरादाबाद के साठ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पुत्री, उसकी माँ, उसका भाई और पिता जो है झूठी तहरीर लोगों के साथ दे दिया करते थे, जिस पर दबाव बनाकर वो ब्लैकमेल कर करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते। एक कुलदीप नाम के व्यक्ति को भी इसी तरह फंसाना इन लोगों ने चाहा, तो उसने जो अपनी शिकायत SSP मुरादाबाद को दी। SSP के द्वारा जब जांच करवाई गई तो उसमें निर्दोष निकला, पूरा इनके गैंग का जो जिस तरह से करते थे पर्दा फाड़ दिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गया। जी अनिल, अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है महिला पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, रात पुलिस लगातार दबिश दे रही है, उसका परिवार जो है घर से फरार था। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुरादाबाद से खबर है जहां पर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लोगों से वसूली किया करती थी महिला, ऐसी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला ने दर्ज झूठे भी मुकदमे करवाए हुए हैं। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखकर उनके सामने एक दिवसीय उपवास रखकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आंदोलनरत कर्मचारियों ने शासन के ऊपर वेतन विसंगतियों का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आज का उपवास प्रदेश व्यापारी है और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो 16 जनवरी को सुबह के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के आवास के सामने सामूहिक रूप से प्रदेश भर के कर्मचारी उपवास कर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि 2011 के पहले चयनित कर्मियों का औसत वेतन जो था वो 2012 के चयनित रेगुलर कर्मचारियों से ज्यादा है, जिस पर सरकार को विचार करके एक पद एक वेतन की मांगों को मानना होगा। स्वास्थ्य विभाग के आंदोलनरत कर्मचारियों के साथ कर्मचारी यूनियन के अन्य संगठनों ने भी कदम ताल मिलाया है और वेतन को लेकर भी मांग से आंदोलन की बात भी कह दी है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन जनपद शाखा गाजीपुर का जिला अध्यक्ष SP गिरी। गिरी साहब, आज भारी संख्या में CMO कार्यालय के पास भूख हड़ताल, आखिर भूख हड़ताल की नौबत क्यों है या क्या है पूरा मामला? मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि यह जो आज कार्यक्रम रखा गया है, उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रदेश संगठन चलता है उसके आह्वान पर ये भूख हड़ताल नहीं, ये उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। ये वेतन विसंगति के संदर्भ में रखा गया है, एक पद दो वेतनमान। हमारे जो 2011 के पहले के जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनको अलग वेतन दिया जा रहा है, और हमारे जो 2012 में हमारे महिला पुरुष कर्मचारी आए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का सबसे मजबूत संगठन ये है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसका पूर्ण समर्थन करता है।
जो भी इनका चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की गई है, इनके हर कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बढ़ चढ़ करके पूरा सहयोग करेगा। आवश्यकता पड़ी तो जिले के संपूर्ण राजकीय कार्यालयों पर कार्य विरत होकर चले जाएंगे कर्मचारी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ऐसे में जो आज ये लोग उपवास किए हैं, तो क्या नहीं लगता है कि जो विभागीय कार्य इस पर उसका कुछ असर पड़ेगा? असर क्यों नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ना तय है। और ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की गई है, अभी हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आते आते समय वर्ष 2024 का उनका भी चुनाव आ रहा है। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संस्कार योजना के तहत जिले भर में 642 जोड़ों का विवाह संस्कार हुआ है, और वहीं शहर के राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई के प्रांगण में ही जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आबकारी और मद्य निषेध की उपस्थिति में गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ ही 161 हिंदू और 10 मुस्लिम गरीब कन्याओं का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। और इस अवसर पर मंत्री ने मुख्यमंत्री विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली 35,000 की धनराशि जो है वो लैपटॉप पर क्लिक कर सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दी है। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी थे उनके पाणिग्रहण संस्कार के लिए वैवाहिक कार्यक्रम के लिए एक भव्य आयोजन यहाँ किया गया था। जनपद मुख्यालय के साथ साथ हमने 4 तहसील मुख्यालयों पर भी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन कराया था। पूरे जनपद में कुल 642 जोड़ों ने इस वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जिला पंचायत और जितने भी हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, सभी ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही जिन जोड़ों ने वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, मैं उनके वैवाहिक जीवन की भी कामना करता हूँ। इस योजना के तहत कुल 51,000 रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाने का प्रावधान है। लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, और एक ये सोच है हमारी सरकार की, हमारे नेतृत्व की एक धारणा जो हमारे समाज में होती है कि जब हमारे घर में एक बेटी पैदा होती है तो बेटी के पैदा होते ही परिवार के लोगों को ये परेशानी हो जाती है कि हमारी बेटी की विवाह पढ़ाई कैसे होगी और उसके बाद विवाह कैसे होगा। और खास तौर से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं हमारे प्रदेश में रहने वाले, उनको तो इसकी चिंता सदैव बनी रहती है। हरदोई में बदमाशों की निगरानी के लिए 25 निगरानी दस्ते बनाए जाने को लेकर ही जिनको एसपी राजेश त्रिवेदी ने पुलिस ऑफिस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई निगरानी दस्ते की एक टीम प्रत्येक थाने में कार्य करेगी और ये हर समय निगरानी करेगी। आपको बता दें कि निगरानी दस्ते का विस्तार कर उनको अन्य दायित्व भी दिए गए हैं। और पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई निगरानी दस्ते की एक टीम प्रत्येक थाने में कार्य करेगी। और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि ये टीमें हिस्ट्री शीटरों पर नज़र और जेल से छूटे अपराधियों और अभियुक्त लुटेरों और दुराचारियों नकाबबाज लोगों के ऊपर नज़र रखकर काम करेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर भी इसके लिए एक रजिस्टर भी तैयार किया गया है। जो बड़े बदमाश हैं उन पर नज़र रखेंगे, उनके सहयोगियों नाम और मोबाइल नंबर पुलिस के अधिकारियों को बताएंगे और रजिस्टर में दर्ज करेंगे। निगरानी दस्ता है, जनपद के प्रत्येक थाने में एक टीम है, मोटरसाइकिल पर 2 आरक्षी। जनवरी में ही इसका गठन किया गया था पूर्व में, तब इसका दायित्व तो खाली अपने जनपद के हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी का था, जहां ये समय समय पर जाते थे और हिस्ट्री शीटर्स की लोकेशन, उनके कार्यों के बारे में सूचनाएं देते थे। इसका विस्तार करते हुए हिस्ट्री शीटर्स के अलावा जो भी इनके थाने क्षेत्र के दुराचारी हैं, लुटेरे हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अभी जेल से छूट कर गए हैं, चोर हैं, नकबजन हैं, डकैत हैं, अन्य कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके एक रजिस्टर बनाया गया है, उसमें नाम लिखा जाएगा।
उनकी निगरानी भी करेंगे और जहां जो बड़े बदमाश हैं उनके बारे में खुफिया तरीके से भी उनके चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें, चीन घुसपैठ पर राज्यसभा में हंगामा हो गया है। राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान सामने आया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की, खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की, सरकार ने कहा था हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा। खड़गे का बयान सामने आया है, चीन घुसपैठ पर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की है, सरकार ने कहा था हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, सरकार ने कहा था कि हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।